दोस्तों अफगानिस्तान वर्ल्ड कप से तो बाहर हो गई है, लेकिन राशिद खान दिल जीत गए। अपनी टीम के लिए कुछ ऐसा कह गए कि आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों राशिद खान ने अपने बयान में क्या कहा वह तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है राशिद खान हार्दिक पांड्या में से कौन सा बेहतर खिलाड़ी है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप 2022 का सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला खेला गया ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की टीम के बीच में, जो कि अपने अंतिम ओवर तक पहुंचा और हमें वह पुराना राशिद खान दिखा जो कभी सालों पहले दिखता था। दोस्तों इस मुकाबले की शुरुआत एडिलेड के मैदान में अफगानिस्तान की गेंदबाजी से हुई। ऑस्ट्रेलिया टीम के विकेट तो उन्हें बैक टू बैक मिल रहे थे, लेकिन मैक्सवेल की धुआंधार नाबाद 50 रन से ज्यादा रन की पारी ऑस्ट्रेलिया को 100 के पार ले गई। उधर मिचेल मार्श और डेविड वार्नर भी अपनी पारी में अच्छे खासे रन बना चुके थे, जिससे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अफगानिस्तान की टीम को 165 रन का लक्ष्य दिया। दोस्तों लक्ष्य बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन जो अफगानी टीम एक भी जीत हासिल नहीं कर पाई उसके लिए यह लक्ष्य किसी पहाड़ तोड़ने से कम नहीं था। और आज कहना पड़ेगा वह एशिया कप के अफगानी खिलाड़ी आज हमें दहाड़ते नजर आए इस ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप में भी। दोस्तों गुलबदीन हो, गुरबाज हो या जादरानी क्यों ना हो, हर किसी के बल्ले से पावर हिटिंग देखने को मिली। दोस्तों गुरबाज के 30, गुलबदीन के 39 और जादरान के 26 रन जीत की नींव रख चुके थे, लेकिन अंतर बहुत ज्यादा हो गया था। 19 गेंद में लगभग 50 रन चाहिए थे, लेकिन नामुमकिन शब्द को मुमकिन करते हुए राशिद खान है। दोस्तों राशिद खान ने 23 गेंद में नाबाद 48 रन बनाए, 4 गेंदों में 4 छक्के भी लगाए और 3 चौके भी जड़ दिए, वह भी 208 के स्ट्राइक रेट से। दोस्तों राशिद खान की यही बल्लेबाजी अफगानिस्तान की जीत की सारी उम्मीदें पैदा कर चुकी थी और तय था कि अब अफगानी टीम ही जीतेगी। वह तो 4 रन के अंतर से ऑस्ट्रेलिया टीम बाजी मार गई और हार देखनी पड़ी अफगानिस्तान की टीम को, और इसी हार के साथ ही वह वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए। जिसके बाद राशिद खान टूट चुके थे और अपने बयान में रोकर उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर हर कोई भारतीय भी रो पड़ा। दोस्तों क्या बोले राशिद खान चलिए आपको बताते हैं। यह मुकाबला मुझे जिंदगी भर याद रहेगा, इस तरीके के मैचेस वर्ल्ड कप में खेलने को मिले तभी क्रिकेट का असली मजा आता है। मैं मानता हूँ कि इस बार हमारी टीम ने इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, हम अपने देश की फैंस की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए, क्योंकि जब मौके मिले तब हम जीत नहीं पाए और जब मुकाबला रद्द हो गए तो केवल हम अपनी किस्मत को ब्लेम कर सकते थे। लेकिन यह मुकाबला हमें अपने देश के लिए खेलना था, हम बाहर हो गए उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें यह मुकाबला हर हाल में जीतना था, जो कि हमें अपने देश की फैंस को समर्पित करना था, लेकिन हम जीत नहीं पाए। हमारी खिलाड़ियों ने हर एक मैच में जी जान एक करी जीतने के लिए, लेकिन यह हमारी ही गलती थी कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में हम इतनी बुरी तरीके से बाहर हो गए। लेकिन मैं उन सभी फैंस को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और भारतीय फैंस को भी, जिन्होंने हमेशा मेरा समर्थन किया है, और भारतीय बोर्ड का, भारतीय खिलाड़ियों का, जिन्होंने अफगानी क्रिकेट को ऊपर उठाया है। शायद इस बार नहीं, लेकिन अगली बार हम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जरूर जीतेंगे और भारत और अफगानिस्तान के क्रिकेट फैंस को ट्रॉफी जरूर समर्पित करेंगे। दोस्तों राशिद खान वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद भावुक तो हो गए, लेकिन भारतीय फैंस को याद करना नहीं भूले, यही एक महान खिलाड़ी की पहचान होती है। ऐसे ही क्रिकेट की न्यूज़ जानने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।